एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एपी दिया गया है और उस एपी में 78 ये जो टर्म है ये कितने नंबर की टर्म है ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, देखिए हमारे पास यंथ टर्म का फॉर्मूला है ए सफिक्स एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम एपी कंसिडर करते हैं, गिवन एपी इज, देखिए हमें एपी क्या दिया गया है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, ये यहाँ का एपी है। ओके, अब यहाँ पे जिसे हम फर्स्ट टर्म ए कहते हैं ये हमारे पास 3 है, ए वन या ए कहेंगे फर्स्ट टर्म को। फिर जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, कॉमन डिफरेंस डी, हम क्या करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म देखते हैं, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 मिलेगा कॉमन डिफरेंस। ओके, अब हम कंसिडर करते हैं, सपोज हमें कितने नंबर का टर्म है 78 ये पूछा गया है, हम फॉर्मूला कंसिडर करेंगे यंथ टर्म का ए रेज टू एन, सॉरी ए सफिक्स एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ए एन ए सफिक्स एन यंथ टर्म, ए एन मतलब यंथ टर्म, ए सफिक्स एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम कंसिडर करते हैं सपोज लेट ए एन इक्वल्स टू 78, सपोज यंथ टर्म 78 है, ये एन ही हमें अब यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ हमें ए एन का वैल्यू 78 रखते आएगा, ए हमारे पास 3 है, एन हमें फाइंड करना है और डी कॉमन डिफरेंस 5 है। ओके, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 78 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 5 ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, एन माइनस वन इंटू 5, ये मिलेगा हमें 75 इंटू एन माइनस वन, देयरफोर 75/5 इक्वल्स टू एन माइनस वन, देयरफोर 75/5 इट विल बी 15 इक्वल्स टू एन माइनस वन। ठीक है, देयरफोर देखिए ये माइनस वन अगर हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या मिलेगा 15+1 इक्वल्स टू एन, देयरफोर एन का वैल्यू हमें 16 मिलेगा। ओके, एन क्या है हमारे पास 16। देखिए हमने ए एन इक्वल्स टू क्या लिया था 78 और एन क्या मिला है 16, देयरफोर हम क्या कह सकते हैं ए 16 इक्वल्स टू 78, मतलब हमें जो पूछा गया था विच टर्म ऑफ द एपी 78, हम क्या कहेंगे देयरफोर 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अर्थमैटिक प्रोग्रेशन दिए गए हैं और उन अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स है ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। जैसे फर्स्ट सब क्वेश्चन है, यहाँ पे एपी दिया है 7, 13, 19 अप टू 205 इज़ द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। तो ये जैसे 7 फर्स्ट टर्म है, 13 सेकेंड टर्म है, 19 थर्ड टर्म है, उस प्रकार से 205 किस नंबर का टर्म रहेगा। अगर सपोज ये 100 नंबर का टर्म रहता है तो टोटल 100 टर्म्स आएंगे। जैसे सपोज हमने यहाँ तक देखा ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, अगर 19 थर्ड टर्म है तो कितने टर्म आएंगे यहाँ तक 3 टर्म्स आएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये कितने नंबर का टर्म है अगर ये हमें पता चला तो ये उतने टर्म्स रहेंगे। उसी प्रकार से 205 कितने नंबर का टर्म है ये अगर हमें पता चला तो हम कहेंगे सपोज ये 205 हमें 70 नंबर का टर्म मिला तो इसका मतलब ये पूरे अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स रहेंगे 70 टर्म्स रहेंगे, समझ रहे ना आप। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है,
तो ये जितने नंबर का टर्म रहेगा उतने टर्म्स इस एपी में रहेंगे, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमारे लिए, देखिए हमारे पास फॉर्मूला, अभी पहले यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, फर्स्ट टर्म जो है 7 है, कॉमन डिफरेंस ये रहेगा 13 माइनस 7। देखिए कॉमन डिफरेंस जब भी हमें फाइंड करना है हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। 13 माइनस 7 ये रहेगा हमारे पास 6, कॉमन डिफरेंस 6 है। फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इट इज अवर फॉर्मूला nth टर्म का, ओके। अब यहाँ पे जो लास्ट टर्म है जिसे हम an कहेंगे, सपोज an इक्वल्स टू लेते हम 205, तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, n जितना रहेगा उतने टर्म्स इस ap में रहेंगे। देखिए देयरफॉर क्या मिलेगा फिर हमें, an 205 है इक्वल्स टू a का वैल्यू 7 है प्लस n तो फाइंड करना है और d का वैल्यू 6 है। ये 7 अगर इधर हम ट्रांसफ़र करते हैं, 205 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, 205 माइनस 7 इट विल बी 198, ओके। 198 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, 198 अपॉन 6 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये अभी 6 से हम डिवाइड करते हैं, 6 3 18, 1 बचेगा और 18 रहेंगे, 6 3 18 इक्वल्स टू n माइनस 1, देयरफॉर 33 माइनस 1 इधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस 1 होगा इक्वल्स टू n, इसका मतलब n इक्वल्स टू मिलेगा हमें 34, ठीक है। n 34 है, 205 इज द 34th नंबर टर्म, मतलब ये टोटल टर्म्स कितने रहेंगे, देयरफॉर क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी आर कितने रहेंगे, 34, ठीक है। इसी प्रकार से हमें सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए सेकंड सब क्वेश्चन में, जो सेकंड सब क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 18, ठीक है ना। अब हमें डी फाइंड करना है, डी इक्वल्स टू क्या रहेगा, लुक हियर, 15.5 माइनस 18, ठीक है। इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 2 से 15 को मल्टीप्लाई करना है, 30 होगा, 30 प्लस 1 31, तो ये रहेगा 31 अपॉन 2 माइनस 18 इक्वल्स टू 31 माइनस 2 इंटू 18, ये रहेगा 36, ठीक है, 36 अपॉन 2। तो देखिए d का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 31 माइनस 36 इट विल बी माइनस 5 अपॉन 2, a 18 है, d का वैल्यू -5/2 है, ओके। अब हम फॉर्मूला कंसिडर करते हैं, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इट इज अवर फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ओके। लेट लास्ट जो टर्म है उसे हम an कहेंगे, लास्ट टर्म है हमारे पास -47, देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए -47 इक्वल्स टू a का वैल्यू 18 है प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पे है -5/2, ओके। देयरफॉर -47 माइनस 18, ये प्लस अगर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस होगा और इसको हम लिखेंगे -5/2 इंटू n माइनस 1। नाउ इट विल बी -47 माइनस 18, ये रहेगा -65, ओके। -65 इक्वल्स टू -5 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ऐसे भी लिखते आएगा, या फिर क्या रहेगा, -5/2 इंटू n माइनस 1, 2 को अगर इधर हम ट्रांसफ़र किया तो -65 इंटू 2 बनेगा इक्वल्स टू -5 इंटू n माइनस 1, दोनों साइड का माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख पाएंगे -65 इंटू 2 अपॉन -5, ये प्रोडक्ट में है, अब इधर क्वेश्चन में आएगा डिवीजन में,
इक्वल्स टू क्या रहेगा n माइनस वन, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 5 से 65 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13 मिलेगा, 13 फाइव जा 65, देयरफॉर क्या है हमारे पास 13 इंटू टू इक्वल्स टू n माइनस वन, देयरफॉर 26 इक्वल्स टू n माइनस वन, therefore 26 plus 1 equals to n. अगर 26 plus 1 equals to n है तो इसका मतलब n equals to क्या मिलेगा, therefore n equals to 27. समझ रहे ना आप, यहाँ पे n equals to 34 मिला है, वहाँ पे n equals to 27 मिला है. इसका मतलब क्या, माइनस 47 कितने नंबर का टर्म रहेगा, 27th नंबर का टर्म रहेगा. इसका मतलब इस एपी में टोटल टर्म्स कितने रहेंगे, 27. ठीक है, देयरफॉर क्या कहेंगे हम, द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी आर कितने रहेंगे, 27. फर्स्ट सब क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स हमें 34 मिले थे और सेकंड सब क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 27 है. चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो एपी दिया गया है उस एपी का -150 ये टर्म है या नहीं, ये हमें यहाँ पे चेक करना है. मतलब ये जो एपी हमारे सामने है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, इस एपी में -150 ये टर्म रहेगा या नहीं, ये टर्म इस एपी का टर्म है या नहीं, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, चेक करना है. देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी ये टर्म्स रहेंगे, जैसे सपोज 11 है तो इसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, 8 सेकंड टर्म, 5 थर्ड टर्म, 2 फोर्थ टर्म, फोर नंबर का टर्म. इसका मतलब जो भी नंबर का ये टर्म रहेगा वो नंबर इंटीजर है, समझ रहे, टर्म इंटीजर नहीं है लेकिन नंबर ऑफ, जैसे 100 नंबर का टर्म 100 इंटीजर रहा, जैसे 4 नंबर का टर्म 4 इज इंटीजर, 3 नंबर का टर्म 3 इज इंटीजर. मतलब जितने भी नंबर का टर्म आएगा, मतलब n का जो भी वैल्यू रहेगा जिसे हम नंबर ऑफ टर्म कहते हैं, जैसे a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a1 मतलब पहला टर्म फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, a4 फोर्थ टर्म. तो ये जितने भी नंबर के टर्म्स हमें मिल रहे हैं, टर्म नहीं नंबर ऑफ टर्म, जैसे फर्स्ट नंबर का टर्म, सेकंड नंबर का टर्म, थर्ड नंबर का टर्म, फोर्थ नंबर का टर्म, ये जो an है, a सफिक्स n, यहाँ पे जो n रहेगा ये n हमें हमेशा इंटीजर मिलेगा. समझ रहे ना आप, जैसे 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है. तो n यहाँ का जो भी मिलेगा, दिस n इज द इंटीजर. ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टर्म से, a1, a2, a3, a4, बेसिकली इट इज पॉजिटिव इंटीजर रहेगा. 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. ठीक है, अगर सपोज हम -150 का नंबर फाइंड करने का अगर सोचेंगे कि -150, सपोज हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि -150 इस एपी में है, सपोज अगर ये -150 इस एपी में आता है तो -150 का नंबर हमें मिलना चाहिए. जैसे 11 का नंबर फर्स्ट टर्म है, 8 सेकंड टर्म है, 5 थर्ड टर्म है, 2 फोर्थ टर्म है, उस प्रकार से -150 जो है अगर इस एपी में रहता है तो उसका नंबर हमें मिलना चाहिए, कितने नंबर का टर्म है ये हमें मिलना चाहिए. और जो भी नंबर वहाँ का मिलेगा, मतलब n का जो भी वैल्यू मिलेगा, अगर वो वैल्यू वहाँ पे हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है तो इसका मतलब दिस -150 कैन बी द टर्म ऑफ दिस एपी. ठीक है ना, ये हो सकता है अगर हम उस लॉजिक से इसके बारे में सोचेंगे. ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है, एपी जो है हमारे सामने उसे हम कंसीडर करते हैं पहले. क्या एपी, नाउ गिवन एपी इज, देखिए एपी क्या है, 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन. यहाँ का 11 जो है इसे हम फर्स्ट टर्म मतलब ए कहेंगे. ओके, फिर इसके बाद कॉमन डिफरेंस डी हमें फाइंड करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर लिया तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा -3. चाहे तो आप 5-8 ले सकते हो या फिर 2-5 भी ले सकते हो. फॉर्मूला है हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म ऑफ ap का फॉर्मूला. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. ओके, अब यहाँ पे
सपोज हम कंसिडर करते हैं कि ये जो माइनस 150 जो है ये इसका टर्म है, सपोज ऐसा हमने कंसिडर किया, यंथ नंबर का टर्म, मतलब यन हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला फिर किस तरह से हम लिख पाएंगे, ए एन का वैल्यू माइनस 150 है, ए का वैल्यू हमारे पास 11 है, यन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 3 है। अब इस 11 को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस 11 बनेगा इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो ये रहेगा माइनस 161, ओके, इक्वल्स टू ये माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 है, इस माइनस 3, ये माइनस 3 और एन माइनस 1 में प्रोडक्ट का साइन है, अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो डिवीजन में आएगा, इसका मतलब माइनस 161 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू हमें एन माइनस 1 मिलेगा, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर 161 अपॉन 3 इक्वल्स टू रहेगा एन माइनस 1, देयरफॉर यहाँ रहेगा 161 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर इट विल बी 161 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू n, ठीक है ना, 3 से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा हमें 164 अपॉन 3 इक्वल्स टू n, ठीक है, n मिला हमें 164 अपॉन 3, ये पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ का n हमेशा हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है 164 अपॉन 3, हम क्या कहेंगे, n इज नॉट एन इंटीजर, यहाँ का जो n है ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, n इज नॉट एन इंटीजर, और n हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन अर्थमैटिक प्रोग्रेशन एपी, ये जो हमें एपी दिया है इस एपी का माइनस 150 ये टर्म रहना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ का यन हमें इंटीग्रल पार्ट मिलना चाहिए था, इंटीजर इसका आंसर हमें इंटीजर में मिलना चाहिए था, इसका जो आंसर हमें मिला है 164 अपॉन 3 ये इंटीजर नहीं है, ये नंबर का टर्म रहेगा क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि जो भी नंबर का टर्म रहेगा फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, थ्री नंबर का, फोर नंबर का, फाइव नंबर का, मतलब जो भी नंबर का टर्म रहेगा वो इंटीजर में मिलना चाहिए, 100 नंबर का टर्म 100 इंटीजर है, 1000 नंबर का टर्म 1000 इंटीजर है, समझ रहे हैं ना आप, तो ये इंटीजर नहीं है, ये यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमें जो n का वैल्यू मिलना चाहिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में यहाँ का जो n है, n हमेशा हमारे लिए क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, लेकिन n यहाँ पे हमें फ्रैक्शन मिला है, इंटीजर नहीं है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन ए पी, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 वी आर गिवन देयर 11th नंबर टर्म एंड 16th नंबर टर्म, हमें 11th और 16th नंबर का टर्म दिया गया है और 31st नंबर का टर्म यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, मतलब दो टर्म हमारे पास है, कौन कौन से नंबर का, 11th नंबर का और 16th नंबर का टर्म हमारे पास है, 11th नंबर का टर्म है 38 और 16th नंबर का टर्म है 73 और हमें यहाँ पे पूछा गया है 31st नंबर का टर्म, ओके। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, यंथ नंबर का टर्म लेने के लिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इट इज अवर फॉर्मूला, ओके। अब 11th नंबर का टर्म अगर दिया है तो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 11 सब्सटूट करते हैं, देयरफॉर ये मिलेगा हमें a 11 इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर a 11, a 11 हमारे पास है कितना, a 11 इज 38,
ओके एन इक्वल्स टू 11 एंड ए 11 इक्वल्स टू 38 है. ओके देयरफॉर 38 इक्वल्स टू ए प्लस 10 डी. तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38 एंड कॉल दिस फर्स्ट. उसी प्रकार से क्या करेंगे हम n इक्वल्स टू 16 सब्स्टिट्यूट करेंगे और a 16 हमारे पास है 73. ध्यान दीजिए a 16 का वैल्यू कितना है 73. कहाँ रखना है इन फॉर्मूला जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा a 16 इक्वल्स टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है देयरफॉर व्हाट इज a 16 73 इक्वल्स टू a प्लस 15 डी. इसे लिखेंगे हम a प्लस 15 डी इक्वल्स टू 73 एंड कॉल दिस सेकंड. ठीक है आप सेकंड से फर्स्ट माइनस कर सकते हो या फिर फर्स्ट से सेकंड माइनस कर सकते हो. देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं मतलब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हमें माइनस करना है. व्हाट इज इक्वेशन सेकंड ए प्लस 15 डी इक्वल्स टू 73. इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38. इसका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन. ठीक है ना अब देखिए ये माइनस होगा ये माइनस और ये माइनस रहेगा ए ए कैंसल 15 माइनस 15 डी माइनस 10 डी इट विल बी 5 डी. ठीक है 13 माइनस 8 5 यहाँ पे रहेगा आप 4 7 माइनस 4 3. देखिए ये जो वैल्यू है 38 ये यहाँ पे हमें माइनस लेनी है. क्यों क्योंकि इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस कर रहे हैं. अब ये 5d इक्वल्स टू 35 है देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या रहेगा 35 अपॉन 5. इसका मतलब d का वैल्यू मिलेगा हमें 7. कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 7 है. ओके अब ये कॉमन डिफरेंस है इससे हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. क्या करना है ये जो 7 हमारे पास है चाहे तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं या फिर इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं. हम क्या करेंगे पुट लुक हियर d इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट. इसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट हमें किस प्रकार का वैल्यू देगा a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38. आर यू गेटिंग दिस समझ रहे ना आप. तो इसका मतलब a प्लस 70 इक्वल्स टू 38 a इक्वल्स टू 38 माइनस 70. समझ रहे तो इसका मतलब a का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा माइनस 32. ठीक है ना 70 से 38 को माइनस करना है और ग्रेटर नंबर का साइन देना है. a का वैल्यू हमारे पास माइनस 32 है. लुक हियर अब इससे तो हम किसी भी नंबर का वैल्यू अब फाइंड कर सकते हैं. हमें 31st नंबर का टर्म यहाँ पे पूछा गया है. अब क्या करेंगे देखिए हमारे पास d है 7 a है माइनस 32. तो देखिए अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या a इक्वल्स टू माइनस 32 d इक्वल्स टू 7 एंड n इक्वल्स टू 31. क्यों क्योंकि हमें 31st नंबर का टर्म फाइंड करना है. ये सब वैल्यू हमें कहाँ रखनी है इन फॉर्मूला. ये सभी वैल्यू अगर हमने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें a सफिक्स 31 रहेगा a 31 a 31 इक्वल्स टू a a का वैल्यू माइनस 32 है माइनस 32 प्लस n कितना है 31 31 माइनस 1 इंटू डी डी इक्वल्स टू 7 डी इक्वल्स टू कितना है 7. देयरफॉर लुक हियर a 31 इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7. समझ रहे ना आप 31 माइनस 1 इट विल बी 30 30 इंटू 7 देयरफॉर
A31 इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 7 3 21, तो ये 210 आएगा। ठीक है, अब इस 210 से हमें 32 को सब्सट्रैक्ट करना है। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए सफिक्स 31 इक्वल्स टू 210 माइनस 32, दोनों का मीनिंग सेम है। 10 माइनस 2 इट विल बी 8, यहाँ पे 4 बनेगा। 11 माइनस 4 ये 7 होगा, यहाँ पे 1, 2 माइनस 1 1, तो ए सफिक्स 31 जो हमारे पास है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 178। ठीक है, इसका मतलब क्या, 31st टर्म ऑफ एपी क्या रहेगा, 178। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 31st टर्म ऑफ गिवन एपी इज 178। 31 नंबर का जो टर्म रहेगा वो कितना रहेगा, 178। ठीक है, देखिए इस प्रॉब्लम में हमें 11th नंबर का टर्म दिया गया था, 16th नंबर का टर्म दिया गया था और 31st नंबर का टर्म हमने फाइंड किया है। ये प्रॉब्लम का सलूशन देख के आपको पता चला होगा, हमें अगर ए और डी का वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हमें पता है, तो हम देखिए चाहे उतने नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे तो फिर हमने 11th नंबर का टर्म 38 और 16th नंबर का टर्म 73, ये दोनों वैल्यू कंसिडर करके हमने क्या किया, हमने ए और डी का वैल्यू फाइंड किया। और ए और डी का वैल्यू अगर हमें पता है, देखिए इस फॉर्मूला में हमारे लिए दो अननोन है ए डी, यन तो नंबर ऑफ टर्म ही रहेगा जो है वो, तो ए और डी का वैल्यू अगर हमें पता चलता है तो हम चाहे उतने नंबर का टर्म ए पी का यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ऐसा ए पी बताया गया है जिसमें टोटल 50 टर्म्स है, मतलब लास्ट टर्म उसका 50 नंबर का रहेगा, 50 टर्म्स है उसमें। ठीक है, और देखिए उसका हमें थर्ड टर्म दिया है 12 और लास्ट टर्म 106, लास्ट टर्म मतलब 50 नंबर का टर्म, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने, 50 है। एपी में अगर टोटल टर्म्स 50 है और अगर लास्ट टर्म हमें 106 दिया है, इसका मतलब 50 नंबर का टर्म 106 रहेगा। तो हमें क्या करना है, 29th नंबर का टर्म फाइंड करना है। देखिए इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व किया है, सेम उसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 8 हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, क्या क्या दिया है हमें, यहाँ पे थर्ड टर्म दिया है मतलब A3 का वैल्यू दिया है 12। ओके, उसमें 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म 106 है, मतलब A50 का वैल्यू दिया है 106। और क्या पूछा गया है, A29th नंबर का टर्म हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है An इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इट इज़ अवर फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ठीक है, अब जो जो टर्म्स हमें दिए गए हैं वो हम N इक्वल्स टू वैल्यू कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, N इक्वल्स टू 3 लेते हैं और A3 मतलब थर्ड नंबर का टर्म 12 लेते हैं इस फॉर्मूला में। देखिए क्या मिलेगा फिर, A सफिक्स 3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके, व्हाट इज A3, 12 इक्वल्स टू A प्लस 2D, इसका मतलब हम A प्लस 2D इक्वल्स टू 12 ले सकते हैं एंड सपोज दिस इज फर्स्ट। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब n इक्वल्स टू 50 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि 50 नंबर का टर्म मतलब लास्ट टर्म हमें दिया गया है, n इक्वल्स टू हमने 50 लिया है। अगर n इक्वल्स टू 50 लेते हैं और A50 इक्वल्स टू 106 लेते हैं, देखिए ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला किस प्रकार से मिलेगा, A50 इक्वल्स टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए सफिक्स 50 इक्वल्स टू ए प्लस 49 डी। यहाँ पे ए 50 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 106
therefore हम क्या कह सकते हैं, a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, इसे कहेंगे इक्वेशन सेकंड। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखिए अब क्या करना है, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है, या फिर इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को। क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया, इक्वेशन सेकंड पहले लिखेंगे a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, इक्वेशन फर्स्ट लिखना है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। ओके, इनका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन, ये माइनस होगा, ये माइनस और ये भी माइनस होगा हमारे लिए। ओके, अब ये प्लस है माइनस है तो कैंसिल होगा, 49d माइनस 2d इट विल बी 47d। ठीक है, 6 माइनस 2 4 रहेगा, 10 माइनस 1 यहाँ पे 9 रहेगा। तो देखिए d इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 94 अपॉन 47, therefore d इक्वल्स टू 2। d का वैल्यू क्या मिला है, फिर 2 मिला है। अब d का वैल्यू 2, हम चाहे तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट d इक्वल्स टू 2, d का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमें वैल्यू क्या देगा, फिर a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, देयरफॉर a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, देयरफॉर a इक्वल्स टू 12 माइनस 4, एंड देयरफॉर a इक्वल्स टू 8। ओके, d का वैल्यू हमारे पास 2 हमें मिला है और a का वैल्यू 2 मिला है, 8 मिला है। देखिए d और a का वैल्यू रहा तो हम किसी भी नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हमें कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है, देखिए हमें फाइंड करना है 29 नंबर का टर्म। तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 29 सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलेगा, n इक्वल्स टू 29, a इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करना है हमें 8, और d इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करना है 2 इन फॉर्मूला। फॉर्मूला में ये सब वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, अब a सफिक्स 29, a 29 इक्वल्स टू a 8 प्लस n माइनस 1 29 माइनस 1 इंटू d, d का वैल्यू 2। ठीक है ना, इतनी वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट की है, देखिए a सफिक्स 29 क्या मिलेगा, फिर हमें 8 प्लस 29 माइनस 1 इट विल बी 28, 28 इंटू 2, ए सफिक्स 29 इक्वल्स टू 8 प्लस 56, 28 टू जा 56, 56 प्लस 8 मतलब ए सफिक्स 29 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 64। हमें क्या पूछा गया है, द 29th टर्म ऑफ ए पी, therefore 29th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 64। इस एपी का 29th टर्म क्या रहेगा, 64 रहेगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इतने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो देखे बाद, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी क्लास 10 CBSE में पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। आपके फ्रेंड या रिलेटिव्स जो भी क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।